टेक स्टेप्स के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा screener.in वेबसाइट के बारे में। दोस्तों अगर आप ट्रेडर हैं और इन्वेस्टर हैं तो इस वेबसाइट का यूज कर आप बढ़िया से बढ़िया स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं इसके स्क्रीनर टूल का यूज कर, और जो भी कंपनी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं इस वेबसाइट का यूज कर उस कंपनी से रिलेटेड सभी डिटेल्स आप जान सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना ना भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मैंने screener.in वेबसाइट ऑलरेडी अपने वेब ब्राउजर पे ओपन कर रखी है। यहाँ पर आपको तीन मेन्यू मिलेंगे ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में। पहला है होम जिस पर अभी हम हैं, दूसरा है स्क्रीन, तीसरा है टूल्स। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आपको दो बटन मिलेंगे जिसमें लिखा है लॉगिन, और उसके बाद है गेट फ्री अकाउंट, और सेंटर में आपको एक फीचर मिलेगा सर्च फॉर अ कंपनी। तो यहाँ से आप किसी भी कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जान सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम होम पर हैं, तो यहाँ से मैं सबसे पहले आपको कोई भी एक कंपनी सर्च करके दिखा देता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए इन्फी लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर इन्फोसिस लिमिटेड आ गया है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करते ही दोस्तों जो भी कंपनी आप सर्च कर रहे हैं उससे रिलेटेड पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और देखिए सर्च फॉर अ कंपनी यहाँ पर ऊपर आ गया है। दूसरी किसी कंपनी के लिए सर्च करना चाहते हैं तो ये ऊपर की तरफ सर्च फॉर अ कंपनी जो सर्च बॉक्स है यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, BSE का कोड मिल जाएगा, NSE का कोड मिल जाएगा, और यहाँ पर मार्केट कैपिटल कितना है, स्टॉक पी कितना है, ROCE कितना है, करंट प्राइस कितना है, बुक वैल्यू कितना है, ROE कितना है, और भी सारी डिटेल्स स्टॉक से रिलेटेड यहाँ मिल जाएगी। कंपनी से रिलेटेड जो भी अबाउट का सेक्शन है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्क्रॉल करेंगे हम थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर आपको चार्ट मिल जाएगा जिसमें वन मंथ से लेकर मैक्सिमम कितना परफॉर्म किया ये सब आपको मिल जाएगा। नीचे कुछ इंडिकेटर्स हैं दोस्तों, जैसे कि प्राइस है, आप इसको अनचेक करूंगा तो देखिए प्राइस रिमूव हो गया। वापस चेक कर देता हूँ, 50 DMA है, 200 DMA है, वॉल्यूम है। तो जो भी आप चार्ट में देखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लीजिए नीचे दिए हुए ऑप्शन से। और यहाँ राइट साइड में देखिए बाय डिफॉल्ट प्राइस सेलेक्टेड है दोस्तों। उसके बाद पी रेशियो के हिसाब से आप देख सकते हैं, सेल्स एंड मार्जिन के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं प्राइस वापस सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्क्रॉल करते हुए नीचे ले चलता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको प्रो एंड कॉन्स मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद पीयर कंपैरिजन है, अगले सेक्शन में क्वार्टरली रिजल्ट्स है, उसके बाद अगले सेक्शन में आप प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट का सेक्शन है, उसके बाद कैश फ्लो का सेक्शन है, रेशोज है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों। इस तरह दोस्तों आप किसी भी स्टॉक से रिलेटेड पूरी डिटेल्ड जानकारी screener.in वेबसाइट से निकाल सकते हैं। मैं वापस आपको ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों मेन्यू में सेकेंड ऑप्शन है स्क्रीन्स का, ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आप स्टॉक स्क्रीन्स में आ जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग कैटेगरी में screener.in ने स्क्रीन्स को कैटेगराइज कर रखा है। जैसे कि पहला है पॉपुलर थीम्स, और यहाँ पर आप देखेंगे लो ऑन 10-ईयर एवरेज अर्निंग्स कैपेसिटी एक्सपांशन डेट रिडक्शन कंपनी क्रिएटिंग न्यू हाइज, ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक स्क्रीन्स मिल जाएंगे अलग अलग कैटेगरी में। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक स्क्रीन पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे कि कंपनीज क्रिएटिंग न्यू हाई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए दोस्तों स्क्रीन से रिलेटेड सभी कंपनीज आपको यहाँ पर रिजल्ट्स में मिल जाएंगे, यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे ले चलता हूँ, यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज और लास्ट पेज में जा सकते हैं। रिजल्ट्स पर पेज आपको कितने रिजल्ट्स पर पेज देखने हैं यहाँ से सेट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट 25 रिजल्ट्स हैं, आप चाहें तो 15 या 50 सेट कर सकते हैं यहाँ पर पेज रिजल्ट्स। दोस्तों मैं स्क्रॉल करते हुए नीचे ले चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपको क्वेरी बॉक्स मिल जाएगा, जो भी क्वेरी से ये स्क्रीन के रिजल्ट्स मिले हैं आपको वो क्वेरी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप अपनी कस्टम क्वेरी बनाकर जो भी स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर क्वेरी बनाकर नीचे रन दिस क्वेरी के बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी क्वेरी सही है तो उस क्वेरी से रिलेटेड रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। मैं वापस ऊपर ले चलता हूं आपको और वापस स्क्रीन्स पे ले चलता हूं। इसी तरह दोस्तों screener.in ने बहुत ही अच्छे से कैटेगराइज कर रखा है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि पहला है पॉपुलर थीम्स, उसके बाद पॉपुलर फार्मूलास, क्वार्टरली रिजल्ट्स, वैल्यूएशन स्क्रीन्स, पॉपुलर स्टॉक स्क्रीन्स, इतने सारे स्क्रीन्स ऑलरेडी बना रखे हैं। अगर आप अपने हिसाब से स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ राइट साइड में क्रिएट न्यू स्क्रीन की बटन है, इस पर आप क्लिक करिए तो आपको ये रजिस्टर करने बोलेगा, यानी कि अकाउंट बनाना होगा आपको screener.in में। आप यहाँ पर गूगल का यूज कर यानी कि अपने जीमेल की आईडी से रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर अपने ईमेल से भी इसमें अकाउंट बना सकते हैं। मैं रजिस्टर यूजिंग गूगल फीचर का यूज कर अपने आप को रजिस्टर कर लेता हूँ screener.in वेबसाइट पे। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आपको ये वॉच लिस्ट अपडेट्स पे ले आएगा, यहाँ पर वॉच लिस्ट बना सकते हैं एड कंपनीज का फीचर यूज करके। मैं आपको वापस स्क्रीन पे ले चलता हूँ और यहाँ पर क्रिएट न्यू स्क्रीन की बटन पर क्लिक करता हूँ।
क्लिक करते दोस्तों आपको क्वेरी विंडो आ जाएगी। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 10,000 करोड़, और यहाँ पर नीचे बटन है रन दिस क्वेरी की, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही दोस्तों आपने जो भी क्वेरी लिखा है उससे रिलेटेड स्टॉक्स आपको रिजल्ट्स पे मिल जाएंगे, और यहाँ एक्सपोर्ट की बटन है, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक की डिटेल्स जाननी है आपको तो उस स्टॉक के नाम पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, नए विंडो में आपको स्टॉक की पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। और दोस्तों मेन्यू में आखिरी ऑप्शन है टूल्स का, इसमें दोस्तों क्रिएट अ स्टॉक स्क्रीन जो कि हमने अभी हाल ही में देखा, उसके बाद दोस्तों प्रीमियम फीचर है। अगर आप चाहते हैं screener.in को और अच्छे से यूज करना तो आप प्रीमियम में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था screener.in वेबसाइट, जिसका यूज कर आप अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक ढूंढ सकते हैं अपनी स्क्रीन बनाकर। तो दोस्तों ये था screener.in वेबसाइट, जिसका यूज कर आप बेहतरीन से बेहतरीन स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं अपने स्क्रीन क्रिएट कर और किसी भी स्टॉक की पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से एक ही पेज में पा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में।